नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा सर्वाधिकारी। साहिबगंज से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जिले वासियों से आग्रह है कि वह कोविड 19 की वैक्सीन अवश्य लगवाए, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बरहड़वा प्रखंड में निरीक्षण के दौरान कहा कि कोविड 19 की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है, इसलिए जिले में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलम ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका कोविड 19 का वैक्सीन ही है, इसलिए सभी लोग को 18 या उससे अधिक आयु है तो वह निश्चित रूप से अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में जाए एवं कोविड 19 का टीका ले। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जिले के लोग किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दें एवं भ्रम में ना रहें। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं भी कोरोना का टीका लिया है एवं अपने परिवारजनों को भी वैक्सीनेशन करवाया है। इसके अलावा जहां तक होता है वह सभी लोगों को टीका लेने हेतु प्रेरित करते हैं। वहीं उन्होंने जिले के लोगों से आग्रह किया कि कोविड 19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित एवं प्रभावी है, इसलिए जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवा वर्ग सामने आए एवं अपने परिवारजनों को जो 45 या उससे अधिक आयु के हैं उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करते हुए टीकाकरण केंद्र तक ले जाए। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोविड 19 सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलकर आपसी समन्वय से एक दूसरे का साथ देना होगा, जिसमें सबसे आवश्यक है कि लोग सर्वप्रथम अपना टीकाकरण कराएं, जिससे वह स्वयं एवं परिवार और अपने समाज को सुरक्षित रखने में कामयाब हो सके। महामारी जिसका नाम आप लोग जानते हैं कोविड 19 कहते हैं, फैला हुआ है। हमारा राज्य भी बचता नहीं है। दूसरा फेज जब आया था काफी लोगों को हमने अब तक खोया है और पूरा दुनिया और देश, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस बात का ऐलान किया है, जिसका दो ही तरीका है इसको रोकने के लिए। पहला तरीका है कि अभी आपके बीच में वैक्सीन आया है जिसको हम लोग टीकाकरण बा टीका कहते हैं, 18 साल से लेकर 44 साल से ऊपर 45 से 80-90 जितने भी उम्र के लोग होंगे, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, यानी सारे लोगों को 18 साल से ऊपर लेकर सारे लोगों को टीकाकरण कराना। लोग भ्रमित करते हैं, लेकिन मैंने भी टीका लगाया, हम अपने परिवार को भी टीका दिलाए और अगल बगल के जो लोग थे मेरे गांव के उनसे भी आग्रह किए, उन लोगों भी टीका लगाया। तो इसमें देखिए कोई हम लोग का दूसरा कोई बीमारी नहीं हुआ है। किसी किसी आदमी को हल्का फुल्का बुखार हुआ, वो भी रात भर के लिए, डरने की बात नहीं है। खुद को सुरक्षित करने के लिए, परिवार को सुरक्षित करने के लिए, गाँव और देश और प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए हम ही सभी भाइयों नौजवान साथियों से लेकर बुजुर्ग जितने भी हैं माँ बहन सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है टीका केंद्र में जाइए, या आप लोग का अगर बल्क में लेना है 40-30-50 आदमी का तो उसका आप एक तलाब वीडियो ऑफिस में दीजिए, जो संबंधित विभाग है उसको दीजिए, आप तो गांव का आकर भी कराएंगे। हम दो चार आदमी को गाँव का लेने के लिए अभी जा रहे हैं बरहड़वा तरफ, वहाँ भी जाकर आप लोग ले सकते हैं। इसीलिए पुनः आप लोग से अपील है कि आप लोग वैक्सीन लगाइए, खुद सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखे, देश और प्रदेश को भी सुरक्षित। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की, जज्बे है जितने दिखते तुझी में। दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की, झिंगा ला ला झिंगा झिंगा ला ला झिंगा झिंगा ला ला झिंगा झिंगा ला ला।